नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर बीबीसी को लेकर है। बीबीसी और मोदी सरकार के बीच में डॉक्यूमेंट्री को लेकर कितना बवाल मचा ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मसला हल क्यों नहीं हो रहा। और अब तो एक नया मसला बीच में आ गया है कि बीबीसी का ट्विटर से पंगा हो गया, अकाउंट पर लगा गवर्नमेंट फंडेड तो मीडिया का लेवल तो भड़क गई ब्रिटिश कंपनी भी। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का अब ट्विटर के साथ पंगा हो गया है। ट्विटर ने बीबीसी के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगा दिया है, जिसे देखकर बीबीसी के मालिक नाराज हो गए हैं। बीबीसी की ओर से इस मामले में ट्विटर प्रबंधन के समक्ष आपत्ति जताई गई है। बीबीसी ने कहा कि ट्विटर को हम पर से ये लेबल फौरन हटा देना चाहिए। बीबीसी ब्रिटेन में बरसों पहले, आपको बता दें कि स्थापित की गई कंपनी है, जिसका संचालन ब्रिटिश हुकूमत ने भी कराया है, जहां से वो उसे फंड मिलता था। धीरे धीरे उसने दुनिया भर में अपने ब्रॉडकास्ट चैनल और न्यूज़ पोर्टल लॉन्च किया और 21वीं सदी की शुरुआत तक एक पॉपुलर न्यूज़ सर्विस बन गई। हालांकि नाम फिर भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी ही रहा। आज जो बीबीसी के उनके अनेक भाषाओं में टेलीविजन कार्यक्रम, रेडियो शो, पॉडकास्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ वाले पोर्टल चला रहे हैं। आपको बता दें बीबीसी के ट्विटर पर कई अकाउंट हैं। ऐसे में ट्विटर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की पहचान पर आधारित खास तरह के लेबल लगाता रहता है, तो बीबीसी का 2.2 मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट भी उस दायरे में आ गया। ट्विटर ने बीबीसी पर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया यानी सरकारी वित्त पोषित मीडिया का ठप्पा लगा दिया है और इसीलिए तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार और इसके बीच में हंगामा मचा हुआ था। अब ये देखना पड़ेगा कि अब इस पर ट्विटर का जवाब क्या आता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी 9 न्यूज़।